जैसे डॉक्टर पुनीत ने बोला कि हम ऑर्गन डोनेशन के लिए जो पियज कर रहे हैं कि अपने, तो उसमें ऑफलाइन हमारे कागजों में भरते थे और कागजों में रिकॉर्ड रखना पड़ता था वो जो ऑफिस में, तो अभी कह रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी बोला कि आयुष्मान भव एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसके बेसिस पे बहुत सारे और भी कन्या हेल्थ मेला, आयुष्मान मेला होना है, आयुष्मान ये सब, उसी में आयुष्मान के बेसिस पे एक सेवा पखवाड़ा, मतलब वो जो 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा, उसमें बड़े सारे प्रोग्राम है आयुष्मान भव के अंदर। तो एक उसमें एक और ये है कि डोनेशन प्लेजिंग फॉर दी डोनेशन ऑफ दी ऑर्गन एंड सेव लाइफ, जैसे इन्होंने बोला कि दो तरह का, एक तो एक आदमी जब आपकी ब्रेन डेड हो जाता है और जब मतलब डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद वो अपने डोनेट उनके ऑर्गन डोनेट हो सकते हैं, तो एक आदमी से आपके 6 टिश्यूज ऑर्गन डोनेट हो सकते हैं, 2 किडनी 2 आपके लंग्स हो गए और बाकी हार्ट हो गया, ये अपना पैनक्रियाज हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, है ना, तो ये 8 लोगों को नया जीवन दान कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक टिश्यू, मतलब सर्टो मीन्स ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट, तो टिश्यू क्या है कि उसमें हम टिश्यू भी ले सकते हैं, जैसे स्किन हो गया, जैसे कॉर्निया आई का डोनेशन हो गया, तो वो हम ले सकते हैं आफ्टर दी डेथ ऑफ दी पेशेंट। तो इसको जस्ट इंक्रीज करने, अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए और ज्यादा प्लेजिंग के लिए अभी ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये चलेगा। बहुत सिंपल मेथड है, पहले डोनेशन करना हो तो पहले हमें सोटो को कॉन्टैक्ट करना पड़ता था, उनके थ्रू फॉर्म भरने पड़ते थे एंड फिर वो एक फिजिकल फॉर्म में रहना पड़ता था। अभी ये ऑनलाइन हो गया, इसमें बहुत सिंपल सा है कि आप एक साइट है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन और हमारी स्टेट की है सोटो, है ना, नेशनल की नोटो और स्टेट की सोटो, तो सोटो का एक है वेबसाइट है जिसमें सोटो हिमाचल .com पे आप जाओ, जस्ट क्लिक करो और उसमें आपके ये जैसे ये सोटो की साइट है और इसमें आप क्लिक करके एक QR कोड आएगा, ये QR कोड अपने आधार लिंक है, जैसे इन्होंने अपने QR कोड करना, जैसे रजिस्टर फॉर PH, तो आपने PH पे रजिस्टर किया, यहाँ अपना आधार कार्ड आधार नंबर डाला और आधार नंबर से आपको आगे टर्म्स एंड कंडीशन और उस पर करके बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है और उसमें एंटर करके अपना आधार नंबर एंटर करके और आपका आगे नेक्स्ट जो भी वो स्टेप्स बोलते हैं वो करके देन रजिस्टर हो जाएगा। फिर ये रिकॉर्ड भी रहेगा, आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है, मान लो कोई ऐसा सिचुएशन आती है जब हम अपने आप इन पोजिशन नहीं होंगे कि हम लोग ये ऐसा वाला ये आधार का ये जब हम ये करेंगे QR कोड स्कैन करेंगे अपना आधार नंबर डालेंगे तो ये ऐसा एक आपका रजिस्ट्रेशन फॉर PH हो जाएगा एंड यू आर रजिस्टर्ड, मतलब यू विल बी रजिस्टर्ड फॉर ऑर्गन डोनेशन है ये हम सब ने ये बैच किया हुआ था बट हमने ऑनलाइन के लिए डॉक्टर शौमिन का है ये ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन का एक एडवांटेज ये कि अब जब आप मतलब उस पोजीशन में होंगे कि अपने आप इन अ कोमा स्टेट और ब्रेन डेड स्टेट में होंगे तो हम लोग नहीं, तो एटलीस्ट अगर किसी को, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रेस के लोगों का जो आए हैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो हमने शेड्यूल की है रिगार्डिंग दी ऑर्गन डोनेशन के लिए। सो ये बहुत लंबे समय से ऑर्गन डोनेशन की जो प्रथा जो हमने एक मुहिम छेड़ी है ऑर्गन डोनेशन के लिए चली आ रही है पिछले 3 साल से, सोटो जो है एक स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन भी बनी है हिमाचल प्रदेश में जो कि अंडर द एजेस ऑफ नोटो नॉर्थ नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बनाई गई है टू प्रमोट ऑर्गन डोनेशन इन दी कंट्री एंड एज वेल इन दी स्टेट। सो ये मुहिम जो हमने 3 साल पहले शुरू की थी ये अभी चली आ रही है, हमारे बहुत से लोगों ने, सबसे जरूरी था इसके अंदर लोगों को अवेयर करना कि ऑर्गन डोनेशन चीज क्या है और ये ऑर्गन डोनेशन क्यों जरूरी है। शायद हमने पहले बताया कि ऑर्गन डोनेशन जो है ये हम जो मेन फोकस करते हैं कैडावेरिक ऑर्गन डोनेशन पे होता है, जो आदमी अपनी मृत्यु के बाद ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं और वो भी सिर्फ ब्रेन डेड जो पेशेंट्स होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं, अगर वो है ड्यू टू कोई भी कारण से हो, जो हेड इंजरी हुई है कुछ और वेंटिलेटर में और वो ब्रेन डेड करार किए जाते हैं तो उनका ऑर्गन डोनेशन हम करा सकते हैं। और उस ऑर्गन देने से उसकी अगर है तो एक आदमी अपनी मृत्यु के बाद भी 8 लोगों को जिंदगी दे सकता है, वो ऑर्गन आपके हार्ट, आपका लंग्स, आपका पैनक्रियाज, आपकी किडनीज, तो ये सारे ऑर्गन्स जो डोनेट कर सकते हैं आफ्टर दी डेथ जो हो सकते हैं जो हम आफ्टर डेथ है। और आई डोनेशन तो इसका पार्ट है, जो आई डोनेशन हमारा बहुत सालों से चला आ रहा था
और वो तो चला रहा है। सेंट्रलाइज होनी चाहिए और ये सबके सब एक ही फोरम पे हो, क्योंकि हर स्टेट अपना बना रहा है तो वो एक सेंट्रलाइज नहीं था। तो उसके चलते हुए अब ये पीछे एक सेवा पखवाड़ा भी चलाया है और आयुष्मान भारत के अंदर भव के अंदर उन्होंने बोला है कि प्रोग्राम के ऑर्गन डोनेशन को जितना बढ़ावा दिया जा सके और लोग अपने लेवल पे इस सबको अपने लेवल पे ही अपने घर बैठे ही ऑर्गन प्लेज करा सके। और वो है सो उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को हमने इन्फॉर्मेशन देनी थी। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।